तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगना तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी अब भी अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी के नाम का ऐलान टालने को तैयार नहीं है। संघ भी विरोधी नेताओं की बात न सुनने की सलाह अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पहले ही दे चुका है। जनता का समर्थन, जनता का आदर किस व्यक्ति या किस प्रकार के किस रूप में है, ये बात सबको स्पष्ट है। इसलिए वो बात हमारे ध्यान में भी है, हमारे आकलन में भी है, ये बात कन्वे की गई है। आरएसएस ने दिल्ली में हुई दो दिन की बैठक में बीजेपी को साफ साफ संकेत दे दिए कि मोदी के नाम पर अब किसी की हां ना सुनने की जरूरत नहीं है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगने की तैयारियों के बीच मंगलवार को नितिन गडकरी को लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए भेजा गया। फिर बुधवार को खुद राजनाथ सिंह उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। राजनाथ ने तमाम विरोध के बावजूद आगे बढ़ने के संकेत भी जयपुर की रैली में ही दे दिए थे। नरेंद्र भाई की लोकप्रियता इस हिंदुस्तान में पढ़ने के कारण कांग्रेस के लोगों के कलेजे में जलन हो रही है। नरेंद्र भाई आज हिंदुस्तान की धरती पर अकेले नहीं हो, पूरी की पूरी भारतीय जनता भारतीय आपके साथ खड़ी है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत खुद आडवाणी के घर सुषमा स्वराज के साथ डिनर पर यह सहमति बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी को पीएम पद की दावेदारी के ऐलान के साथ ही कैंपेन कमेटी की कमान सुषमा स्वराज को सौंपने का फॉर्मूला निकाला गया है। अगर सुषमा तैयार नहीं होती तो ये जिम्मेदारी अरुण जेटली या नितिन गडकरी को सौंपी जा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आडवाणी, सुषमा और जोशी नहीं माने तो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड के बाकी सदस्यों से सहमति ले लेंगे और बिना संसदीय बोर्ड की बैठक के ही मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि पार्टी सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रही है। रिसेसिव, डायनेमिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड 3D नरेंद्र मोदी, दैट्स द मूड अक्रॉस द कंट्री। संघ के मुखिया मोहन भागवत मोदी विरोधी नेताओं को ज्यादा तवज्जो देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज को संघ ने भरोसा दिलाया कि पार्टी में उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र के हिसाब से मार्गदर्शक की भूमिका में रहने की सलाह दी गई है। रविंद्र कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी की जो अंतर कलह है वो खुलकर सामने आ रही है। बीती रात को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए गए, लेकिन एक घंटे बाद इस बैठक के बाद वो मोदी पर सवाल से बचकर निकल गए। सर, क्या पूरी उम्मीदवारी दे दी जाएगी? सर, क्या पूरी उम्मीदवारी दे दी जाएगी? सर, इधर बीजेपी में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो एक बार फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर पूरी ताकत से वार कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक रैली में यूपीए सरकार के कामकाज गिनाए। तो ये आप देख रहे हैं कि वो कौन से नेता हैं जो नरेंद्र मोदी का जो सुर है वो अलाप रहे हैं। बीजेपी जो है, दरअसल उसमें कई नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम से सहमति नहीं जता रहे। उनमें लालकृष्ण आडवाणी सबसे आगे खड़े हैं। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी हैं, वो भी ये नहीं चाहती कि असेंबली इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। लालकृष्ण आडवाणी सबसे आगे, उन्हें मनाने की कोशिशें काफी की हैं राजनाथ सिंह ने, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया।